हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पिछले 8 महीनों के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए वीडियो जरूरी रहने वाली है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने वन लाइनर के फॉर्म में दिए हैं मोस्टली क्वेश्चन, क्योंकि यदि ऑप्शन से देते हैं तो बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए वन लाइनर स्टेटमेंट है, आपको याद रहेगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड? 12वां एडिशन डेफ एक्सपो का कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो ये हेल्ड हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, नोबल प्राइज़ 2022 हैज़ बीन अवॉर्डेड जॉइंटली टू कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडल एंड बेरी शार्पलैश। तो केमिस्ट्री में इन तीनों को मेडल दिया गया है, ठीक है। इन तीनों को नाम दे देंगे आपको, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडल एंड बेरी शार्पलैश। तो आपको बताना है कि ये किस में दिया है इनको, तो ये दिया है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये डेनमार्क से हैं और ये यूएसए से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं, द नोबल प्राइज़ 2022 इन हैज़ बीन अवॉर्डेड टू बेन बर्नाके, डोगल्स डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबिग। तो नोबल प्राइज़ 2022 का इन तीनों को दिया गया है इकोनॉमिक्स में। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, बेन एस बर्नाके, डोगल्स डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबिग। इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कम्प्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा फास्ट बॉलर कौन बना है जिसने 950 विकेट्स कम्प्लीट कर लिए हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर बने हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिम जिंग 50 इज़ द फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैंड एरियल व्हीकल ऑफ विच कंट्री? तो ये है चाइना का अनमैंड एरियल व्हीकल है। इसका नाम भी देखो, दो क्वेश्चन इसमें कवर हो गई। या तो आपसे नाम पूछ लेंगे कि फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैंड एरियल व्हीकल जो कि चाइना का है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है जिमिंगजिंग 50, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये जो अनमैंड एरियल व्हीकल है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो दोनों ही आप याद रखना। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये बनी है जॉर्जिया मिलोनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री? तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है? तो ये बना है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन एन एमी अवार्ड फॉर नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क? ग्रेट नेशनल पार्क में एमी अवार्ड इन्होंने जीता है नरेशन के लिए नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में। तो इनका नाम है बराक ओबामा, यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच कंट्रीज़ वॉल्कर टर्क हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर वुमेन राइट? तो किस कंट्री की वॉल्कर टर्क को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर वुमेन राइट? तो ये है ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट हम कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आती हैं। तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बने हैं ललित भसिन, CEO ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बने हैं विनायक पटनायक, इसको विनायक गोडसे, इसको याद रखना। ये डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बने हैं, तो इनका नाम है विनायक गोडसे। CEO बने हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के, ये हैं रजनीत कोहली। एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन एंड MD ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, ये बने हैं वरुण वेरी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, आर वेंकटरामानी, ठीक है, ये बने हैं अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच एरिया ऑफ UP गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व? अब यूपी गवर्नमेंट ने फैसला किया है वो अपना पहला टाइगर रिजर्व डेवलप करेंगी, तो ये रोहिलखंड में होगा। रोहिलखंड इसका सही उत्तर है, याद रखना। तो इस तरीके से यदि आप याद रखोगे तो ऑप्शंस बहुत क्लियरली आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 2022? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 14th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिन्होंने पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज किया अंडर पोषण अभियान? तो आपको देखो एक क्वेश्चन ये कवर हो गया कि पोषण अभियान किसके अंतर्गत आता है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 को पोषण अभियान, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ पे। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि पोषण अभियान कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया अभी, तो ये कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में, और कहाँ किस वर्ष लॉन्च हुआ था ये पोषण अभियान? तो ये लॉन्च हुआ था 2018 में।
ये सारे इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CBI हैज़ लॉन्च्ड अ मल्टी फेज ऑपरेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग रे नेटवर्क रिसेंटली। उसका क्या नाम है ऑपरेशन का जो कि CBI ने लॉन्च किया है ताकि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए? तो ये है ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, याद रखना ऑपरेशन गरुड़ रिलेटेड है ट्रैफिकिंग और ड्रग से। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइंड सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी, कौन से स्टेट में? तो देखो ये भी क्वेश्चन कवर हो गया कि 600 मेगावाट कैपेसिटी का वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट किसने कमीशन किया है, तो आप बता देना। अडानी एनर्जी ग्रीन लिमिटेड, स्टेट कौन सा है? तो ये है राजस्थान। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइंड सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा है किस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए मिसाइल रॉकेट एंड एमिनेशन? तो ये है आर्मेनिया के साथ इन्होंने साइन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय भादू। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई US प्रेसिडेंट जो बाइडेन विद अ साइटेशन ऑफ विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन? तो ये बने हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्हें USA से, US प्रेसिडेंट से। तो ये हैं डॉक्टर विवेक लाल। याद रखना डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है US प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट है, तो देखो सबांते पावो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है मेडिसिन में, तो देखो ये भी कवर हो गया ना आपका कि मेडिसिन में किसने जीता है, सवंत पवानो ने। ठीक है, याद रखना सवंते पावो ने जीता है मेडिसिन में। इसके अलावा कौन सी इन्होंने डिस्कवरी करी थी? इन्होंने करी थी जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, इससे रिलेटेड इनकी डिस्कवरी रही थी। तो ये किस कंट्री से हैं? तो ये है स्वीडन से। ठीक है, याद रखना एस स्वीडन से हैं सवंते पावो, जिन्होंने मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिस बुक का नाम है लास्ट हीरोज़ वो किसके द्वारा ऑथर की गई है? तो लास्ट हीरोज बुक तो बड़ी आती है पेपर में, एग्जाम में आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो बुक तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है पी साईनाथ के लास्ट हीरो ऑथर करी है। चलिए कुछ और देख लेते हैं अपॉइंटमेंट। तो देखो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, आपको याद होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बने हैं एलिजाबेथ बॉन्ड एंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी बनी है पहली कैटलिनिक नोवाक। जब कोई पहली महिला कहीं पे बनती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना। तो देखो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की कैटलिन नोवाक, याद रखना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की सामिया सुलुहु हसन, याद रखना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हॉन्ड्रूस, तो ये है जियोमारा कास्ट्रो। हांगकॉन्ग के नेक्स्ट लीडर बने हैं जॉन ली। री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया ये है एल केंसान बुकेस। हंगरी के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं विक्टोर अर्बन, इसका याद रखना। एंड इसमें से ये और याद रख लो, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल तो ये है येर लिपिड। कुछ इंडिया के टारगेट देख लेते हैं कि किस वर्ष तक क्या ख़त्म करना है, क्या एलिमिनेट करना है, ये भी पेपर में आता है, तो चलिए हमें पता होना चाहिए। तो देखो ट्रांस फैट फ्री स्टेटस कि हमें जो ऑयल है उसमें ट्रांसफैट होता है उससे फ्री करना है, तो ये 2022 तक। इंडियन रेलवे ने प्लान किया है 1000 मेगावाट सोलर पावर, तो ये है 2021-22 में ही इनका टारगेट था ये। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट इंस्टॉलेशन, ये 2022 तक था, 2030 का है। इंडिया की प्लान है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को मैन्युफैक्चर करना। फार्मर की इनकम डबल करना, ये 2022 तक था। डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, ये भी 2022 तक था। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉड गोज रूट्स, ये इनका प्लान है 2023 का। एंड 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस करना है 2023-24 तक का प्लान है। रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्लेस डीजल, मतलब डीजल को रिप्लेस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी से इन एग्रीकल्चर, तो ये 2024 तक का है। इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, 2024 तक का है ये। इंडियन एम्स टू रिड्यूस रोड एक्सटेंड बाई 50%, ये 2024 तक है। इसके अलावा हर घर जल, ये 2024 तक है, आपको पता होगा। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में चाहिए, ये 2025 तक का है। डिफेंस टारगेट ऑफ 35,000 करोड़, ये 2025 तक का है। TB को एलिमिनेट करना 2025 तक का है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन अचीव करना 2025 तक का है। 220 न्यू एयरपोर्ट बनाना 2025 तक का है। इसके अलावा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक का है। एंड एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना 2030 तक का है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अपने कुछ अलग अपनी अगली स्लाइड पे। तो देखो रिसेंट बुक अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी रही हैं, बुक से क्वेश्चन आता है इसलिए ज़रूरी हो जाता है बुक के बारे में जानना। तो देखो लता सुरगाथा इंग्लिश, इसको लिखा है ईरा पांडे ने। लता ए लाइफ इन म्यूजिक हिंदी, इसको लिखा है यतिन्द्र मिश्रा ने। मुस्कुराते चंद लंबे हैं और कुछ खामोशियां, इसको लिखा है जीवेश नंदन ने। अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, इसको लिखा है रामनाथ कोविंद ने, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरगिंग मैटर, इसको लिखा है नृपेंद्र राव एंड पैनर स्टोरी ने। एंड इसके अलावा हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसको लिखा है सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव ने। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ए ब्रीफ हिस्ट्री, इसको लिखा है पुलापरे बालकृष्णन ने, याद रखना। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पे। स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू द फैमिलीज रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरिया में फैमिली रिजाइड करती है उनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के द्वारा। तो ये है राजस्थान ने लॉन्च करी है। किसने लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू प्रोमोट अ ट्रांस फ्रेंडली और इंक्लूसिव लेबर कल्चर। तो रेनबो सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको प्रमोट किया जाए ट्रांस फ्रेंडली और इंक्लूसिव लेबर कल्चर में। ब्रिजवासीलाल ही पास हो गए अभी रिसेंटली, तो ये कहाँ से क्या थे ये? तो ये थे आर्कियोलॉजिस्ट, इनको पद्म भूषण भी मिला था 2000 में, एंड पद्म विभूषण भी इसको उनको 2021 में मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 सितंबर को, तो इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ठीक है, तो इस बार की थीम थी इंटरनेशनल लिटरेसी डे की, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। ठीक है, याद रखना। 47 मेंबर नेशनल लेवल कमेटी, जो कि ड्राफ्टिंग और न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए बनाई गई थी, तो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो ये हुई थी सुरेश प्रभु के अंदर कोऑपरेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। अनंग ताल लेक, जो कि अभी जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में। अनंग ताल लेक दिल्ली में लोकेटेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है आइकॉनिक अटल ब्रिज ऊपर द किस रिवर के ऊपर इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात में है। तो ये है साबरमती रिवर के ऊपर इन्होंने अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल, स्मृति वन मेमोरियल, इसको इनॉग्रेट किया है किस प्लेस पे? तो ये किया है भुज गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ, विच कंट्री बिकम इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर? अक्टूबर में कौन सी कंट्री बनी जो कि इंडिया की टॉप ऑयल सप्लायर है? तो ये रसिया है। तो देखो हर मंथ या फिर साल में तो चेंज होता ही रहता है, तो ये रसिया बनी है इस बार। विच कंट्री क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, की रिकॉर्ड कायम कर दिया है इन्होंने लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट करने का? तो ये है स्विट्जरलैंड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है VR कृष्ण गुप्ता को। कौन सा स्टेट रहा है जो वर्स्ट स्टेट लिस्ट में रहा है चाइल्ड मैरिज के टर्म में? तो ये है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखते रहना है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम? तो ये ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम ने, याद रखना। कौन सी कंट्री इंटरपोल जनरल असेंबली 2023 की होस्ट करेगी? तो ये है वियना करेगी। फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 ये इनॉग्रेट होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, नाफेड, ठीक है, इसने अपॉइंट किया है किसको एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 ईयर? तो इनको किया है राजकिरण राय जी को। ठीक है, नाफेड ने अपॉइंट किया है राजकिरण राय को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मंडलाई डिस्ट्रिक्ट इन कौन से स्टेट में है जिसने विच इज ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन एंड इंडिया का पहला ऐसा बन गया है जो कि फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, कि सबको पढ़ना आता है? तो ये है मध्य प्रदेश का है मांडला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना। कौन सा स्टेट बना है जो कि फर्स्ट है टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीड, तो ये ऐसा कौन सा पहला स्टेट बना है? तो ये बना है झारखंड, याद रखना।
इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को इनॉग्रेट किया गया पुणे महाराष्ट्र में। एंड गुड फेलोज स्टार्टर फॉर सीनियर सिटीजन्स हैज बीन अनवील्ड बाई हु अमंग द फॉलोइंग? तो गुड फेलोज ये शुरू किया गया है रतन टाटा के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर लैंटर्न लॉन्च किया। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है रोशनी, ठीक है, याद रखना। उदार शक्ति एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ? तो यह मलेशिया के साथ हम उदार शक्ति करते हैं। टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है ताकि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो स्टूडेंट आते हैं? तो इसका नाम है चिराग, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है पुटिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, एक बायोग्राफी है रशियन प्रेसिडेंट की व्लादिमीर पुटिन जिसका नाम था। कौन किसके द्वारा ऑथर की गई है? तो ये की गई है फिलिप शॉर्ट के द्वारा ऑथर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन जॉइंट जो कि कनेक्ट करता है टू एंड्स को, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है ये ओवर रिवर चेनाब, किसके द्वारा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया? ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ये इनॉग्रेट किया गया? तो ये है रियासी, रियासी में ये बन रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी डैश एनिवर्सरी ऑफ अगस्त क्रांति और क्विट इंडिया मूवमेंट हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑन 8 अगस्त 2022। अगस्त क्रांति या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी अभी मनाई गई? तो ये थी 80 नंबर की थी ये। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? तो ये बनी है डॉक्टर नाला थम्बी कैलासी भी, ठीक है, इनको बनाया गया है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जिसको अभी कमेंस किया गया है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो किस स्टेट में क्या है? तो ये है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च हुआ है। तो देखो ये तो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट और जो अभी हमने देखा था ना कहाँ गया, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्वनिर्भर नारी स्कीम जिसको अभी लॉन्च किया है किस स्टेट में? तो ये है असम ने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया है। इन झारखंड इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये जो कि झारखंड में है और ये इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरीज होंगी? तो ये है जमात्रा, जमतारा में ऐसा है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ किस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि बर्थडे जो BR अंबेडकर का आता है 14 अप्रैल को उसको ऑब्जर्व किया जाएगा डे ऑफ इक्वलिटी? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन्होंने मैस्कॉट लॉन्च किया है किसके लिए? कंज्यूमर्स और को एम्पावर करने के लिए, इसके अलावा उनके अवेयरनेस कराने के लिए उनको उनके डाइट के प्रति। तो उस मैस्कॉट का क्या नाम है? तो जागृति। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक मैस्कॉट लॉन्च किया था जिससे वो कंज्यूमर को अवेयर करा सके उनके डाइट्स के बारे में, तो ये है जागृति। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक धर्म ऑफ जस्टिस इन संस्कृत एपिक्स? तो इसके ऑथर हैं रूथ वनीता इसके ऑथर हैं धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स, याद रखना। विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ ब्लैक बक्स ऑन द गोदावरी आइलैंड? तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और जिसमें फर्स्ट सर्वे ऐसा ऑफ ब्लैक बक्स किया जाएगा गोदावरी आइलैंड पे? तो ये है आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डिटेल इट्स प्लान फॉर नेट कार्बन जीरो एमिशन बाय 2050? तो ये है मुंबई। 23rd वुमेन ग्रैंड मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका नौटक्की। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 31st व्यास सम्मान अवार्ड फॉर द प्ले महावली? महावली के लिए 31वां व्यास सम्मान अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये है असगर वजाहत को दिया गया है, याद रखना। एक न्यू बुक है जिसका नाम है द बॉय हू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा ऑथर की गई है? तो ये है राजेश तलवार के द्वारा, ठीक है, राजेश तलवार ने लिखी है द बॉय हू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। बायलेटर नेवी एक्सरसाइज हुई है किस, इंडिया नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है वरुण 2022। तो इंडियन नेवी और फ्रेंच के बीच में जो होती है उसको वरुण कहते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विनय समर्थ योजना? तो ये की है कर्नाटक की सरकार ने, याद रखना। किस नेशन ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड? तो ये वर्ल्ड की बात हो रही है और किसने किया है ऐसा? तो ये है जर्मनी।
हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड, तो ये जर्मनी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एट महाराजगंज फॉरेस्ट डिवीजन इन द स्टेट, तो ये किया है हरियाणा की सरकार ने, तो याद रखना हरियाणा जटायु कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है के वी सुब्रमणियन को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये किया है इंटरनेशनल हम मॉनेटरी फंड के लिए इनको अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है याद रखना। किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जो कि अरावली रेंज में है डेवलप करेंगे, तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। क्वेश्चन बार बार घूम रहा है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रिलोकेट अबाउट 27 टाइगर्स फ्रॉम द पीलीभीत टाइगर रिजर्व टू द न्यूली नोटिफाइड रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके साथ ही आप ये याद रख लें, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना है। इसके अलावा 27 टाइगर्स को ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रानीपुर में लोकेट करेंगे, तो किस सरकार ने फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज बुक 2022 फॉरेस्ट रिक्रिएशन असेसमेंट, कहाँ गया, कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री बनी है जो डिफॉरेस्टेशन को जिसने बढ़ावा दिया है 2021 में, तो ब्राज़ील है। ये देखो ब्राज़ील के पास तो इतना अच्छा फॉरेस्ट करा है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफॉरेस्टेशन में बढ़ावा दिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2022 विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड, तो ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2023 में जो होगा उसका क्या है, उसका है तजूनी, ठीक है तजूनी है इसका, याद रखना। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड भी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में ऐड किया है, तो ये म्यांमार को इन्होंने किया है रिसेंटली, याद रखना। मोधेरा जो कि इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर प्लेस बन गया है नेट जीरो कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, तो ये कौन से स्टेट में है, तो ये है गुजरात में, याद रखना मोधेरा गुजरात में है। कुछ देख लेते हैं, 36 नेशनल गेम 2022 जो कि गुजरात में हुए, तो देखो इसमें सर्विस स्पोर्ट्स ने सबसे टॉप किया है, जिसने मेडल टाइम उन्होंने जीती है 61 गोल्ड मेडल, सर्विस ने टॉप किया है 140 मेडल के, एंड महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे रहा है, सर्विस ने टॉप किया है, ठीक है इसमें। इसके अलावा हरियाणा ने थर्ड पोजीशन हासिल की है, बेस्ट मेल एथलीट रहे हैं साजन प्रकाश, केरल से हैं ये, जिन्होंने 5 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। बेस्ट फीमेल एथलीट रही हैं हसिका रामचंद्र जो कि कर्नाटक से हैं, याद रखना एक केरल से हैं जिन्होंने बेस्ट मेल एथलीट का खिताब जीता है, एंड एक कर्नाटक से हैं जिन्होंने बेस्ट फीमेल एथलीट का खिताब जीता है, इन्होंने 6 गोल्ड हासिल किए हैं एंड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है बहुत बड़ी बात है। तो हसिका रामचंद्र ये नाम याद रखना, लड़कियों का नाम तो ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका याद रख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो अभी इस वर्ष हुए हैं, तो देखो संजय मल्होत्रा को बनाया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। विवेक जोशी को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी, ठीक है। रचना शाह को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। मनोज गोविल को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। मृत्युंजय कुमार नारायण इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको याद रख लेना मृत्युंजय कुमार नारायण को। अलका उपाध्याय को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। कमरन रिजवी को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में। सारे ना याद हो सकें तो 2-3 याद कर लेना इसमें से, जैसे मृत्युंजय है, संजय मल्होत्रा है। संजय कुमार को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में। मीता आर लोचन को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में सेक्रेटरी। एंड भारती दास को बनाया गया है CGA डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको याद रखना ये जरूरी है भारती दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया ने MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ ताकि वो फील्ड ऑफ टूरिज्म में कॉपरेट कर सकें, तो टूरिज्म के लिए कॉपरेशन के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है हमारा इंडिया ने किर्गिस्तान के साथ, ठीक है किर्गिस्तान के साथ MOU साइन किया है इंडिया ने। कुछ और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट इसी के साथ देख लेते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, तो देखो कोल इंडिया जिसने किया है भील के साथ, IOCL के साथ एंड गेल के साथ, ठीक है। तो कोल इंडिया ने किया है किसके साथ एग्रीमेंट किया है, वेल IOCL एंड GAL, क्यों किया है। कोल मिनिस्ट्री हैज़ एम टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन करना है 2030 तक, इनका लक्ष्य है, इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया है, बहुत ज़रूरी है याद रखना।
NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ओमान के साथ. क्यों किया है? ताकि रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करें ओमान में, ताकि बीइंग द बेस्ट वे फॉर ब्रांड न्यू पीरियड ऑफ मॉनेटरी कनेक्टिविटी, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, मॉनेटरी कनेक्टिविटी. इंडिया ने मालदीव के साथ किस फील्ड में किया है? तो ये किया है ट्रांजेक्शनल क्राइम्स के फील्ड में, क्या है क्राइम एंड टेररिज्म के. तो देखो इसको याद रखना, क्राइम एंड टेररिज्म के फील्ड में इंडिया ने मालदीव्स के साथ किया है द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में जो कि ट्रांजेक्शनल क्राइम एंड टेररिज्म होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने इंडिया और मालदीव ने किया है. गोदरेज एग्रोवेट ने असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ किया है पाल्म ऑयल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, किस मिशन के अंतर्गत? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाल्म्स स्कीम के अंतर्गत इन्होंने पाल्म ऑयल को प्रमोट करने के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है. इंडिया ने नाम्बिया के साथ किया है चीता को बैक करने के लिए, चीता को वापस लाने के लिए आफ्टर 7 डिकेड. इंडिया ने कनाडा के साथ किस फील्ड में किया है? क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में इंडिया ने कनाडा के साथ किया है, इसको याद रखना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ नेशनल पार्क दिए हैं, मैच करना है आपको कौन से स्टेट से वो मैच होते हैं. देखो मानस टाइगर रिजर्व तो असम में है, पक्की बात है. बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में, ये भी सही बात है. सुंदरबन नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में कहाँ है, ये तो वेस्ट बंगाल में है, ये गलत बात है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है उड़ीसा में नहीं है. राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइनो डे ये डेज की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 सितंबर को, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का बर्थ एनिवर्सरी 19 नवंबर को मनाई जाती है. तो 19 नवंबर को किस इंडियन फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई की. नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट्स रिलेटेड. अब तो देखो ये क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में कि कोलंबो कप, मतलब कौन सा कप किस खेल से संबंधित है. तो देखो कोलंबो कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, वो है फुटबॉल से. कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना. इसी के साथ कुछ और कप देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. तो देखो स्पोर्ट है बैडमिंटन जो वुमेन्स का है, उसके लिए है यूवर कप. ठीक है, बास्केटबॉल के लिए कप जो है वो एसोसिएटेड है विलियम जोन्स कप. क्रिकेट के लिए है प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप. एंड पोलो के लिए है इजरा कप. लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया के लिए ध्यानचंद अवार्ड. ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए है दुलीप ट्रॉफी. हॉकी के लिए है गुरु नानक देव गोल्ड कप एंड महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप. ठीक है, ये दोनों हैं. फुटबॉल के लिए है रोवर्स कप, याद रखना. एंड बोट रेस के लिए है नेहरू ट्रॉफी. तो इसको कोलंबो कप भी फुटबॉल से संबंधित है. कौन सा शहर 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है? तो देखो समर ओलंपिक्स जो कि 2024 में होंगे, कौन सा सिटी इसको होस्ट कर रहा है? तो पेरिस में ही होंगे. ठीक है, तो जगह जगह होते रहते हैं लेकिन 2024 के समर ओलंपिक होंगे पेरिस में, याद रखना. इसी के साथ इसका मोटो क्या था 2024 पेरिस में जो होंगे? इसका है शेयरिंग, गेम इज मेड फॉर शेयरिंग. ठीक है, इसका ये मोटो है. इसके अलावा 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स थे वो बीजिंग में होंगे. ऑफिशियल मैस्कोट जो था 2022 के विंटर ओलंपिक का वो है बिंग डुएन डुएन. ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी, तेलंगाना की सरकार ने ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है. 37th एडिशन नेशनल गेम, अभी मैंने बताया 36 का गुजरात में हुए हैं. 37th एडिशन कहाँ पे होगा 2023 का नेशनल गेम्स का? तो ये होगा गोवा में. ठीक है, अब हुए थे गुजरात में, अब होगा गोवा में 37th. इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. किस स्टेट ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहला स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, कडाबुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी? ठीक है, ये स्लेंडर लॉरिस है, बंदर की तरह दिखता है कुछ कुछ, तो इसको किया है तमिलनाडु की सरकार ने. ठीक है, याद रखना. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, याद रखना. 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस स्टेट में होंगे? तो ये होंगे मध्य प्रदेश में. ठीक है, मध्य प्रदेश में, याद रखना. किसको न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? तो न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, याद रखना. 7 मून्स ऑफ मली अलमीडा, इस बुकर प्राइज, इसके लिए किसको बुकर प्राइज 2022 को 22 से अवार्ड किया गया है? तो ये किया गया है
सेहान करुण तिलाका को, ठीक है, इनको इसके लिए अवार्ड मिला है, याद रखना। किस रेलवे जोन ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है? तो ये किया है कोंकण ने, ये तो बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। तो कोंकण रेलवे लाइन कहाँ से पास होती है? ये होती है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 11 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 9 नवंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और आप क्या सजेशन दे सकते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।